दिल्ली में मॉनसून इस बार देरी से पहुंचा है, लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से दिल्ली वालों की सारी नाराजगी दूर हो गई। हालांकि बारिश आने के बाद भी आफत ही बढ़ रही है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके की बात की जाए तो लुटियंस दिल्ली में अभी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है। यहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी आ रहा है, बाकी कई इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मॉनसून के दौरान सड़कों पर पानी नहीं भरे, इसके लिए MCD नालों की विशेष रूप से सफाई करती है। इस पर लाखों रुपए भी खर्च किए जाते हैं, लेकिन हर बार बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। बारिश के बाद दिल्ली वालों को गर्मी से तो राहत मिली हुई है, लेकिन अभी भी जलभराव की समस्या से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार और सोमवार को बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा पंजाब हरियाणा में मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में दो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आज भी बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस क्लाइमेट वेदर रिपोर्ट की माने तो अगले 3 दिन झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के लिए भारी पड़ने वाले हैं। बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में 200 मिलीलीटर से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, वहीं आज भी यहां बारिश के आसार हैं। 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश में काफी मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है, साथ ही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे हिस्सों में भी भारी बारिश जारी रहेगी। हालांकि देश के दक्षिणी हिस्सों में मॉनसून फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है। इधर झारखंड के भी अधिकतर हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली है। रांची में जुलाई महीने में लगभग हर साल अच्छी बारिश हुई है। अब तक सबसे अधिक वर्षा 2017 में सिर्फ जुलाई महीने में 666.4 मिलीलीटर बारिश हुई है, जबकि इस साल 1 जून 2021 से 30 जुलाई 2021 तक रांची में लगभग 616.6 मिलीलीटर से अधिक बारिश हो गई है। रात भर हर क्षेत्र में बारिश होती रही। राज्य में लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश होने के कारण राजधानी रांची के कई इलाकों में पानी भर गया है। रांची में स्थित कुंज विहार कॉलोनी में हर घर में 4 फीट पानी घुसा हुआ है, जिससे पहला तल्ला करीब करीब डूबे हुए हैं। साथ ही कल से बिजली सप्लाई भी कटी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम से जुड़ी सारी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल पर्यावरण पोस्ट देखते रहें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।